हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोर प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं आज फिर से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। एसकेएन वर्सेस स्टार की बात करेंगे। सीपीएल T20 मैच है, 26 आवर्स के बाद जो मैच है उसकी बात करेंगे। आप सोच रहे हैं इतना टाइम पहले क्यों दे रहे हैं प्रेडिक्शन, ये आज मैं थोड़ा फ्री हूँ तो आपको आइडिया और लॉजिक दूंगा, मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कौन कौन से प्लेयर आपके लिए अच्छे और बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो आपको कौन कौन से प्लेयर को टीम में रखना है। जैसे कि एंद्रे फ्लेक्चर हो गए, थॉमस हो गए, ये सारे प्लेयर आपको काम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा रिस्क लेते हुए आप बना सकते हो टीम। यहाँ पर फ्लेक्चर को आप स्मॉल लीग में रख सकते हो क्योंकि एंद्रे फ्लेक्चर इनफॉर्म प्लेयर है, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। वहीं पर अपोजिट अगर सोचना है तो आप थॉमस के साथ जा सकते हो अगर वन साइड जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो तो। वहीं पर आप बात करते हैं क्रिस गेल, डेविड वार्नर, लिंडन सिमंस, एंटन डाउचिस, डेरन सैमी। डेरन सैमी को तो प्लीज़ मत लेना दोस्तों अपने टीम में, ना गेंदबाजी करते हैं ना बल्लेबाजी में ऊपर आते हैं। कभी कभार ये 10 बॉल खेल के 15-25 रन बना सकते हैं, लेकिन वो चांसेस बहुत कम रहता है मैच में। तो इससे अच्छा आप ऊपर के चार बैट्समैन को ले सकते हो, यहाँ से आप ले सकते हो टॉम कूपर को। इवन लुइस अभी तक आउट ऑफ फॉर्म है, तो ग्रैंड लीग में इनको आप कैप्टन रख के टारगेट करके खेल सकते हो। मार्क चैपमैन को मत लीजिएगा, चंद्रपॉल हेमर्स को भी मत लीजिए, और ब्रैंडन किंग को भी थोड़ा रिस्की हो सकते हैं। दोनों भी लेंगे खेलेंगे दोस्तों, तो लेकिन रिस्की है, दोनों को भी ड्रॉप कर दो आप। लेकिन क्रेडिट मैनेज करने के लिए आप लॉजिक लगा के ले सकते हो। वहीं पर ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पर कायरन पोलार्ड डेफिनेटली आपके कैप्टन होंगे, और यहाँ पर बैन कटिंग को आप कैप्टन रख सकते हो, क्रॉन वॉल को रख सकते हो, कार्लोस ब्रैथवर्ड को भी टीम में खिला सकते हो दोस्तों। मोहम्मदुल्ला भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप मोहम्मदुल्ला को भी ले सकते हो अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। आपके पास कायरन पोलार्ड, बेन कटिंग, कार्लोस ब्रैथवेट, ट्रोकमन क्रोनल ऑलराउंडर से सेफ अगर खेलना हो तो कैस अहमद, मिचेल मैकलगन, संदीप लिम्बाचिया, सेल्डन कॉट्रेल, ओबेड मैकेल, ये पांचों के पांचों गेंदबाज खेलेंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। 3, 4, 5 सेलेक्ट कर सकते हो आप दोस्तों जो आपके लिए अच्छे होंगे। यहाँ पर आप ले सकते हो जर्मी लुइस और सारिक विलियम। जर्मी लुइस को आप कैप्टन रख सकते हो ग्रैंड लीग में, और अल्जारी जोसफ को भी कैप्टन रख सकते हो ग्रैंड लीग में। आपको ये दो प्लेयर जिता के दे सकते हैं ग्रैंड लीग अगर चल जाते हैं तो, क्योंकि जर्मी लुइस अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं प्लस बॉलिंग भी, तो उस बेस पर आप उनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख के खेल सकते हो। तो जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाएगा। यहाँ पर डेरन सैमी को आप निकाल दो अपनी टीम से दोस्तों। पहला वार्नर इनफॉर्म नहीं है, लेकिन इनको आप कैप्टन रख सकते हो ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग में, या तो डायरेक्ट आप जीतोगे या हार जाओगे। फ्लेक्चर की जगह पे डेवन थॉमस को भी ले सकते हो आप, लेंडन सिमंस की जगह क्रिस गेल, इवन लुइस को ले सकते हो, एंटन डाउचेज, पोलार्ड, बेन कटिंग, यहाँ पर कार्लोस ब्रैथवेट को ला सकते हो आप, रोमन रॉकमैन को ला सकते हो, और गेंदबाजी में जर्मी लुइस को ला सकते हो आप। यहाँ पर और भी गेंदबाज है, ये टॉप के गेंदबाज, इनको आप ले सकते हो। इसी तरह से आप अपनी टीम क्रिएट कर लीजिएगा और आपके लिए अच्छा होगा विन करने के लिए। तो जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो।